स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज द बीजी, क्या है बीजी का मेन मोटिव क्या है। आप लोग सभी जानते हैं इंडिया में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत ज्यादा क्रेज है, लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा पसंद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम कैसे बीजी सॉफ्टवेयर को यूज करें। आज उसी के लिए मैं इस ट्यूटोरियल को बना रहा हूँ सभी के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अरे सबसे पहले बीजी के बारे में आज हम स्टार्ट करें। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या है बीजी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आप अपनी आवाज कम करेंगे सब, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, और बीजी की आपकी पहली क्लास है। इसके अंदर आप लोग देखेंगे बीजी क्या है, बीजी को इंडिया में कब आया। पहली बात तो बीजी इंडिया में आया था वो 1994 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। कहाँ बीजी लॉन्च हुआ था आपका फर्स्ट टाइम इंडिया में 1994 के अंदर आपका बीजी लॉन्च हुआ था। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बीजी आया था वो फर्स्ट टाइम इंडिया में 1994 के अंदर लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, 1994 के अंदर बीजी सॉफ्टवेयर आपका लॉन्च हुआ था। जब बीजी लॉन्च हुआ था ना तो बीजी का 3 वर्जन आया था। कितना वर्जन आया था, 3, 12, 14, 16, 17। तो बीजी के टोटल अब तक कितने वर्जन आ चुके हैं, 5। पहले जब बीजी इंडिया में लॉन्च कहां हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान पे, कब हुआ था, 1994 के अंदर हुआ था। बीजी जब पहली बार इंडिया में आया था तो 3 वर्जन से आया था, फिर 12 वर्जन पे गया, फिर 14 वर्जन पे गया, फिर 16 वर्जन पे गया, और आज आपके सामने लेटेस्ट जीएसटी 17 का वर्जन है। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी, ठीक है। तो बीजी के कितने वजन आए, 3, 12, 14, 16, 17। सर बीजी क्या है, देखिए बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट को मेंटेन करता है। सर अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, कितना माल बचा है, कितना क्या है, सारा कौन मेंटेन करता है आपका, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करता है। क्योंकि आज आप जानते हो कि बिजनेस एक छोटे लेवल पे नहीं किया जाता है, बिजनेस एक बड़े लेवल पे किया जाता है। हर कोई अपने रिजल्ट को पास ही देखना चाहता है, वो चाहता है कि मैं एक क्लिक दबाऊं तो मेरा रिजल्ट आ जाए, मैं दो क्लिक दबाऊं तो मेरा ये रिजल्ट आ जाए। तो उसमें आपके लिए बीजी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूजेबल है। सर अगर मैं कभी जाता हूँ, मुझे मैं किसी के पास काम करने गया, उसके पास बीजी सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे डाउनलोड करूँगा। अगर मैं किसी के पास बिजी जाता हूँ, उसके पास बीजी सॉफ्टवेयर नहीं है और कहता हूँ काम करो बीजी पे, तो सर कैसे काम कर दूं, कैसे स्टार्ट करूं। तो अगर आप किसी के पास जाते हो उसके बीजी सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप गूगल पे जाना, और गूगल पे जाएंगे तो आपके पास एक वेबसाइट है www.busywin.com। कहां जाना है आपको, www.busywin.com की वेबसाइट पे जाना है, और आप यहां से बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे बीजी प्रोडक्ट आपके बीजी के, देखो जितने भी अब तक सॉफ्टवेयर आपके सामने आए हैं सारे आपके यहाँ पर। ठीक है, तो बीजी का 17 वर्जन आ गया, बीजी का 16 वर्जन, बीजी का 14 वर्जन, बीजी का 12 वर्जन, और बीजी का 3.9। अगर आप इसके आगे क्लिक टू डाउनलोड करेंगे तो आपका बीजी का सॉफ्टवेयर क्या होना, डाउनलोड होना। क्या हो जाएगा आपका, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है आपको, आपको डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना, www.busywin.com। अगर जब ये डाउनलोड होगा ना तो आपके सिस्टम में माय कंप्यूटर में जाके ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड होगा तो आपके पास ना कुछ इस तरीके का आएगा, किस तरीके का आएगा, हम इस पर क्लिक ही कर देते हैं, हम इसको डाउनलोड ही कर देते हैं।
जैसे ही गया तो ये बहुत स्लो नेट चल रहा है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग याद रखना जब बीजी सॉफ्टवेयर आएगा ना डाउनलोड होके, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। किसी और दिन बता दूंगा, एक्चुअली क्या नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। देखो जब कुछ नहीं करना, जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते ना तो आपकी डाउनलोडिंग के अंदर माई कंप्यूटर में आ जाता है। बस जैसे ही आया है ना, इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से क्या कर देना है, एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट हेयर करके वहां से उसको हटा देना, बस ये करना है। ठीक है शिव, उसके जब ये हो जाएगा ना तो राइट क्लिक करके इसको ओपन कर दे, बस ओपन कर दे, नेक्स्ट 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 आपका वीजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, अगर नहीं हो पाएगा तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। अरे अमित मोहित, बहुत तेज आवाज हो रही है आप लोगों की सबकी, लाउडली थोड़ा कम। ठीक है, अब वीजी को जब हम फर्स्ट टाइम स्क्रीन को ओपन करेंगे ना तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, आ वैली सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन, इस तरीके का मैसेज आएगा। तो आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं, जब ऐसा मैसेज आएगा तो आप लोग समझ जाना कि आप लोग कौन से मोड पे काम कर रहे हैं, डेमो मोड पे काम कर रहे हैं, और अपने किसी दिन की एंट्री कर सकते हैं। वीजी को ऑन करूं, ऐसा बताइए, ऐसा कोई तरीका नहीं है मेरा बीजी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल हो जाए? नहीं सर, उसके लिए आपको बीजी का सॉफ्टवेयर ओरिजिनल परचेज करना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप डेमो को ओरिजिनल कर सके। सर बीजी को ओरिजिनल करने के कितने रास्ते हैं? बीजी को ओरिजिनल करने के क्या हुआ, अभी आप उसको चेक करो, मैं आपके पास आता हूँ। ओके शेयर, ओरिजिनल करने के दो तरीके बता दिए सर, कितने दो तरीके, दो। पहला होता है डोंगल से, किससे, डोंगल से, दूसरा शॉप टॉप, किससे होता है, डोंगल से या शॉप टॉप, किससे होता है, डोंगल से या शॉप टॉप। डोंगल जानते क्या होता है मोहित, पूरा टॉपिक करके दिखाना, विदाउट हेल्प नहीं, ये आज वाला नहीं है, ये पेंडिंग वाला है। तुम शिवम पहले करो, क्योंकि वो पीछे हो जाएगा, तुम कल थोड़ा मैं बता दूंगा, तुम पहले करो। क्लियर है? यहाँ पर क्या लिखा है, डोंगल, क्या लिखा है ऊपर, डोंगल एज अ फिजिकल डिवाइस विच इज अटैच टू द यूएसबी पोर्ट योर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। ऐसे ही देख लो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते वक्त इसकी मदद ले रहा हूँ, डोंगल की। अगर मैं ये वायरलेस कीबोर्ड में से डोंगल हटा दूंगा तो मेरा कीबोर्ड कोई काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये डोंगल से ही चल रहा है। ऐसी बीजी को ओरिजिनल करने के लिए इतनी बड़ी की आएगी, वो अपने सिस्टम के यूएसबी पोर्ट में लगा देंगे तो आपका बीजी का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ओरिजिनल
हो जाएगा, ये आपका तरीका। दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट लॉक होता है। क्या होता है, सॉफ्ट लॉक ऐसा क्या होता है, ये अनविजिबल डिवाइस होता है जिसको छू नहीं सकते हम लोग। जैसे ये फाइल ना आपकी डेस्कटॉप पे, जैसे ये फाइल लगी है, ये आइकन है, इस तरह की एक फाइल होती है, वो आपके सिस्टम में हम लोग डाल देते हैं, उससे आपका बीजी का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ओरिजिनल हो जाता है। डोंगल और फिजिकल डिवाइस में क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सिंपल सी है, आपको जहाँ जाना है वहाँ आपके पास डोंगल होना जरूरी है। अगर डोंगल नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्ट लॉक में ऐसा नहीं है, सॉफ्ट लॉक में ऐसा नहीं है। आप फाइल भी आपके सिस्टम में होती है, इसमें होती है आपके सिस्टम, ठीक है। तो फिजिकल ओरिजिनल करने के कितने तरीके, एक तो हार्ड लॉक से, भाई थोड़ी आवाज कम कर लो, बहुत लाउड आ रहा है, ठीक है। अब आगे चले, अब चलते हैं सर बीजी के अंदर आता है क्रिएट कंपनी। सर क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, एक नई कंपनी बनाने को क्रिएट कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक कंपनी को बनाने के लिए क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, एक नई कंपनी बनाना। लेकिन कंपनी बनाने से पहले हम एक लोकेशन देंगे, क्या देंगे हम लोग, एक लोकेशन देंगे कि मेरी कंपनी इस फोल्डर में, इस ड्राइव में जाके बन। अगर मैं डायरेक्ट कंपनी क्रिएट कर दूंगा, क्या आपको आइडिया है वो कंपनी कहाँ जाके बन जाएगी? अब हमें तो कंपनी बनेगी नहीं ना। कल को किसी ने आपसे पूछ लिया, सर बताइए मेरी कंपनी कहाँ, तो आप क्या बोलोगे, सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता इतना काम। तो आप जब भी कंपनी बनाएंगे ना, तो आप यहाँ से लोकेशन देना, क्या कर देना, यहाँ से लोकेशन देने के लिए फोल्डर पे क्लिक करना, और यहाँ से जो भी आपको लोकेशन देके ओके कर देना, तो आपकी कंपनी उसी फोल्डर ही बनेगी। अगर आपको अपने नाम से पहले फोल्डर बनाना है, तो माय कंप्यूटर पे जाओ, माय कंप्यूटर पे जाने की शॉर्टकट विंडो प्लस बिफोर एलिमेंट वाला, इस पे आइए और यहाँ से न्यू फोल्डर बना लीजिए, और फोल्डर का नाम जो भी डालना है वो डाल दीजिए। क्लियर है, और यहाँ से इसकी लोकेशन देनी है, यहाँ पर जाके आगे आगे यहाँ पर, ठीक है, लोकेशन दे लोगे, इसलिए फॉरगेट नहीं होना चाहिए ये माइंड से। पार्ट ये है क्योंकि स्टार्टिंग का किसी के यहाँ काम करने का, वो पेनड्राइव से काम कर रहा है, उसने कहा दीदी को फ्लावर से पेनड्राइव लगाए तो कैसे करोगे, तो पहले पेनड्राइव लगवाओगे उसकी, फिर यहाँ से लोकेशन दोगे, और फिर आप उससे काम करोगे। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, क्रिएट, और जो भी हमें कंपनी बनानी है उस कंपनी का नाम डाल देंगे यहाँ से। ये कंपनी हम लोग बना रहे हैं, अब हमें ये कंपनी बनानी है, प्रयाग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। हमें क्या कंपनी बनानी है, हमें ये कंपनी बनानी है, तो हमें जो नाम रखना वो कंपनी, देखो भाई कॉमन सी बात समझो, कंपनी का नाम तो फिक्स होता है, जिसके पास जाओगे वो तुम्हें बोल देगा मेरी कंपनी नेम, जैसे आपका नेम है सबके लिए कंपनी का नेम होता है, तो इसमें कुछ यूनिक नहीं है कि आपको मैं स्पेशली बताऊं। छापना क्या है, ये जो प्रिंट आउट बिल में निकल के क्या है, तो बहुत से लोग इसको हटा भी देते हैं या सेम सेम रखते हैं। जब तुमसे को उसने बोला मेरी कंपनी का नाम क्या होता है, प्रयाग पॉलीमर लिमिटेड, वो चाहता है कि मेरी कंपनी का नाम लिखे तो ये, लेकिन जब प्रिंट आउट निकालो तो इस नाम से, मतलब ये वाला नाम तो कहाँ डिस्प्ले हो, स्क्रीन पे, और ये वाला नाम कहाँ पर आए, प्रिंट में।
जोन ग्रेड वाला जोन बिजी हो जाना चेक करो ठीक है। दोनों में अंतर समझ आ गए। कंपनी का शॉर्ट नेम तो बिल्कुल डाल दो पीपीएल कंट्री इंडिया स्टेट रैली वहीं से डाल दो क्या होता है पढ़िए ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना जो कंपनी का आपका नेम है वही आप डालो, कोई दूसरा मत डालना। एक्चुअली होता है कि हम कभी काम करने जा रहे तो कस्टमर कहता है आज से स्टार्ट कर, वो कल को कहता है पीछे से स्टार्ट कर। भाई आपने कंपनी तो आज से बनवानी, पीछे से काम नहीं करवाऊंगा। तो कोशिश करना जो आपका फाइनेंशियल वही डालना, कोई दूसरा मत डालना। कंपनी का एड्रेस यहाँ पर कंपनी का एड्रेस आता है, क्या आता है कंपनी का एड्रेस। इसमें हम कंपनी का एड्रेस डाल, उसमें चार लाइनें होती हैं और एक लाइन में 40 वर्ड डाल कर ठीक है। एड्रेस आ गया, एड्रेस तो फिक्स होता है कंपनी का, वो भी एड्रेस डालना हो डाल देने आज। क्लियर है, कोई डाउट है? अब आता है पिन नंबर। हर लाइन में कितने कैरेक्टर होते हैं? कितने और लाइन कितनी होती है एड्रेस की? इंटर मार के देखा था आपने 1 2 3 4 चले आगे सेम। पिन नंबर कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन, कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन ईच इंडिया कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड हैज अ इक्वल 21 डिजिट सेल नंबर। मतलब हर कंपनी को चाहे वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हो या नहीं, उनको एक 21 अंक क्या दिया जाता है सेल नंबर। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसके लिए भी हम लोग पूछते हैं। उसके बाद आगे चल रहे हैं, आगे आए पढ़िए यहाँ पर। अब आता है आईटी पैन कार्ड। दरअसल क्या हुआ, दानिश खड़े हो, पढ़ लिया बताने के लिए इसको एक बार ध्यान से पढ़ो, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। फर्स्ट थ्री वर्ड क्या होंगे आपके, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फोर्थ वर्ड होगा वो कंपनी का क्या बताएगा, पी है तो, सी है तो, एफ है तो, एच है तो। अगर फोर्थ वर्ड में एफ आ गया तो आप समझो फर्म में काम करता हूँ, पी आ गया तो मैं पर्सनल हूँ, एच आ गया तो ठीक है, और एस, और फिफ्थ वर्ड आपकी कंपनी का आपका क्या नाम बताएगा, वो सर ने आगे वार्ड नंबर। जब इलेक्शन होता है ना तो ये बोला जाता है कि इस एरिया से, इस क्षेत्र से ये उम्मीदवार खड़े हैं, इनको आप भारी मतों से विजयी बनाए, ऐसे बोलते ना कमेंट उस टाइप के, तो वही है। तो कंपनी का टेलीफोन नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर, कंपनी की मेल आईडी, और आप इसको क्या कर दो, अब कुछ भी नहीं छूना बल्कि सेव कर देना है, ये आपका सेव होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखो कितना इजी बीजी में कंपनी बनाना, कंपनी बन गए, डेली रूटीन का आपको जो भी काम करना है वो काम करते जाइए। Thank you.
क्या लिख के आगे कंग्रेचुलेशन योर कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली इन द नेक्स्ट स्कीम यू विल बी प्रमोटेड टू द क्रिएट सुपर यूजर कंपनी नेम यस इन टर्म आरोप यहाँ पर आपकी कंपनी का यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा जो भी पूछे आप डाल दो यहाँ पे कौन सी चीज करना है जो भी कंपनी का पहला लेटर वही आपका यूजर नेम पासवर्ड क्योंकि आपके जाने के बाद मैं आपकी कंपनी को ओपन कर सकता हूँ आप ये कर दीजिए और इसको सेव कर आप जैसे करेंगे देखिए आपकी कंपनी बन चुकी है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई आपकी कंपनी का नेम आ गया आपकी कंपनी का कोड आ गया आपकी कंपनी का माइंड आ गया और आपकी कंपनी का अरे अब आप देख सकते हो आपकी कंपनी बन गई बंद करने दो बार स्कैप बटन दबा दो अपने कीबोर्ड पे जो सबसे राइट में होता है वो स्कैप बटन दबा दो कंपनी बंद है बोलने के लिए पासवर्ड को डालो कल अगर आप काम करने आ जाओ आपकी कंपनी नहीं मिलती तो आप क्या समझना आपकी कंपनी की लोकेशन गलत है सर मेरी कंपनी कहाँ गई क्योंकि लोकेशन हमने गलत दे दी भाई लोकेशन जैसी होगी कंपनी वैसी तो ओपन होगी ये आज का टॉपिक